Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास फोर्थ का मैथमेटिक्स, जो आज का हमारा चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डाटा हैंडलिंग. ओके, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा. ये देखिए, एक बात और है, यदि आपको वीडियो एक बार में समझ में कम आए तो उसी वीडियो को आप दो बार तीन बार रिविजन करके देखिए तो आपको समझ में अवश्य आएगा. ओके, देखिए इसमें बार ग्राफ पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्लास फोर्थ में ओनली बार ग्राफ ही पढ़ना है, उसके टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है. इस चैप्टर में टोटल 5 या 6 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं. देखिए, एक हॉरिजेंटल बार ग्राफ होता है, एक वर्टिकल बार ग्राफ होता है. तो हॉरिजेंटल ये होता है और वर्टिकल ऐसे होता है, ठीक है, जिसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं और क्षैतिज कहते हैं. ठीक है, ऊर्ध्वाधर हो गया, क्षैतिज हो गया. तो यहां से देखिए, ऐसा होता है ना कि यहां पर कोई सब्जेक्ट दिया रहेगा, यहां पर मार्क दिया रहेगा, या यहां सब्जेक्ट देकर यहां मार्क दिया रहे, दोनों एक ही है. ठीक है, उसी को हमें क्वेश्चन बनाया रहेगा. देखिए ऐसे क्वेश्चन कि किस ग्राफ में कितना मैटर है, किस तरीके का है, कौन सा है, उसी को देख कर आपको एक लाइन में आंसर लिखना है, वन वर्ड में. ओके, क्लियर रहेगा ना, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है. और बात रही इसको ड्रा करने की, तो ड्रा करना बहुत ही सिंपल है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा. तो देखिए यहाँ पर डू फर्स्ट क्वेश्चन, अमर इज इन चार्ज ऑफ द आइडियल डिपार्टमेंटल स्टोर, ही रिसीव्ड राइस, व्हीट, ज्वार ग्राम एंड बीन्स फ्रॉम द होलसेलर ऑन मंडे, ही यूज टू बार्स टू नोट द अमाउंट ऑफ आइटम He had received, observe the graph and answer the question. इसमें कहा है कि जो जो सामान डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदा गया है, एक डायग्राम में बनाया गया है, ठीक है, और आप उसी को देखकर यहां पर आंसर राइट करना कि कितना ग्राम, कौन सा वेट गया है. ठीक है, देखिए इसका आंसर, ग्रेन्स एंड सेरेल्स रिसीव्ड ऑन मंडे, तो यहां पर राइस है 4000 किलोग्राम, ये थोक होल सेलर है, 400 किलोग्राम अमाउंट का राइस है, और व्हीट 5000 किलोग्राम, ज्वार 3000, और ग्राम जो है वो 1000, बीन्स जो है 2000. क्लियर दिखाई दे रहा ना, तो यहाँ से हम देखिए जो राइस है, राइस कितना है 4000 फिल करेंगे, व्हीट 5000, ज्वार 3000, ग्राम 1000, बीन 2000. देखिए राइस एंड व्हीट टुगेदर, राइस एंड व्हीट टुगेदर, तो इसमें 4000 5000 दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 9000, तो यहाँ पर फिर 9000 करेंगे. उसके बाद ग्राम और बीन्स को अलग अलग करेंगे तो 2 and 3 3000. क्लियर है ना, ओके, बहुत सिंपल है, सिर्फ इसको देखकर कि कहाँ से कितना वैल्यू है उसी को फिल करना है. सेकेंड क्वेश्चन, कलर दी ब्लॉक टू शो नंबर ऑफ व्हीकल पार्क्स इन एमडी कॉलोनी, ईच ब्लॉक्स इक्वल टू 5 व्हीकल्स. तो यहाँ पर डायग्राम देखना पड़ेगा, इधर है, इधर नहीं है, ठीक है, तो इसको हमें डायग्राम में बनाना है, आप लोगों को बनाना मैं सिखा रहा हूँ. सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचिएगा, ठीक है, वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, क्लियर है, ओके, इसको यहां से दोनों ऐसे बना दीजिएगा, यहां पर जीरो रखिएगा, देखिएगा कितना पॉइंट दिया गया है, 25 35 45, कहा ना ईच ब्लॉक 5 व्हीकल, यानी कि यहां से एक ब्लॉक करना है, इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 इसलिए कर लिया कि यहां 5 से हो गया, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 and last 50 है. ओके, तो यहां पर नंबर ऑफ व्हीकल लिखेंगे, नंबर ऑफ व्हीकल, और यहां पर क्या लिखेंगे, व्हीकल, व्हीकल में क्या है, तो देखते हैं, सबसे पहले 25 कार्स है, यहां पर लिखेंगे कार्स, और यहां पर लिखेंगे स्कूटर्स, और यहां पर लिखेंगे
मोटरसाइकिल, ठीक है। कार कितना है, 25 है, तो 25 जहां आ रहा ना उसी के सामने यहां यहां ऐसे करके लास्ट तक ऐसे बॉक्स बनाना है, ठीक है। और देखेंगे 35 स्कूटर है, स्कूटर में कितना है 35, ये यहाँ आएगा, ठीक है। इसको यहाँ तक बनाएंगे, स्केल लेके आप लोग कीजिएगा, ये 35 हो गया। और मोटरसाइकिल 45 है, तो 45 हमारा यहाँ है, ठीक है। इसको यहाँ से लेके आएंगे, फिलहाल इसमें 3 ही दिया है तो हमने 3 बना लिया। और ये आप ऐसे कापी में अपने राइट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, नंबर के सामने 25 है, ये 35 है, ये 45 है, क्लियर है, गुड। अब इससे बड़ा क्वेश्चन अभी मैंने जैसे पहला बताया था, अब इसमें क्विक डील का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टडी दिस बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। एक कौन सा ग्राफ है, जैसे मैंने अभी बताया था ये है हॉरिजेंटल। तो यहां पर मंडे को 7 एप्पल, ट्यूजडे को 11 एप्पल, वेडनेसडे को 6 एप्पल, थर्सडे को 10 एप्पल और फ्राइडे को 6 एप्पल, 100 लिखिए गए, ठीक है। तो यहां पर हम आंसर फिल करेंगे, आर दी बार वर्टिकल और हॉरिजेंटल। सबसे पहला काम ये है कि ये जो ग्राफ है वर्टिकल या हॉरिजेंटल है, तो मैंने बताया था ये कौन सा ग्राफ है, हॉरिजेंटल है, तो यहां पर फिल करेंगे हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, ठीक है, यही फिल करेंगे यहां पर। हाउ मेनी डेज वेयर एप्पल पिक्ड, कितने दिन एप्पल को पिक किया गया, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर करेंगे 5 डेज, सेकेंड वाले में 5 डेज। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का टाइटल क्या है, बास्केट्स ऑफ एप्पल पिक्ड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बास्केट ऑफ एप्पल पिक, ठीक है। डी का, हाउ मेनी बास्केट ऑफ एप्पल वेयर पिक्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितना बास्केट एप्पल पिक किया गया, थर्सडे यहां पर लिखिएगा 10 बास्केट। और यहां पर फ्राइडे की बात कहा तो फ्राइडे को 6 बास्केट, और यहां पर मंडे की बात कहा तो मंडे में 6 और 8 के बीच में है तो 7 आएगा, यहां पर 7 बास्केट, कितना हो गया, मैंने बताया था थर्सडे का कितना आ रहा है 10, उसके बाद फ्राइडे का 6, उसके बाद मंडे का 7, इतना क्लियर। हाउ मेनी मोर बास्केट वेयर पिक्ड फ्रॉम पिक्ड ऑन ट्यूजडे देन वेडनेसडे, ए ट्यूजडे वेडनेसडे, तो ये बताना है कि ट्यूजडे को कितना ज्यादा बास्केट पिक किया गया वेडनेसडे की तुलना में, तो इस 11 में से 6 को सबट्रैक्ट कीजिए, आएगा कितना, 5 बास्केट, यहां पर 5 बास्केट। देखिए मैं बता रहा हूं, बुक में तो राइट कर नहीं सकता, तो यहां से देख कर ही आपको आंसर लिखना है, यदि एक बार में आपसे छूट जाए तो वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख कर फिल कीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से समझिएगा। ये हो गया, हाउ मेनी बास्केट ऑफ एप्पल्स वेयर पिक्ड इन ऑल, हाउ मेनी बास्केट वेयर पिक्ड इन ऑल, कितने बास्केट हैं, सभी को उठाया, कितने बास्केट को उठाया गया है, तो सभी को ऐड कीजिएगा, कितने आ रहे हैं इसमें, मंडे को कितना है 7 7 और 11, ये हो गया 18 18 6 24 24 10 34 34 और 6, ये हो गया 40, कितनी बास्केट, यहां से 40 बास्केट। इफ द कॉस्ट ऑफ वन बास्केट ऑफ एप्पल 2248, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बास्केट शो इन द ग्राफ, कह रहा है यदि एक बास्केट का प्राइस 248 रुपए है तो बार ग्राफ में जितने बास्केट दिए गए हैं सबका रेट क्या होगा, ठीक है, सबका कॉस्ट क्या होगा। देखिए टोटल कितने बास्केट आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं ना, तो यहां पर 40 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 248, मैंने सिंपल बताया था मैथ का तरीका कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक जीरो है तो जीरो को लास्ट में कर देंगे, अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 3 कैरी 4 4 जा 16 16 6 19 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, ये हो गया 9920 रुपीज, तो फर्स्ट में 9920 रुपीज इसमें फिल कीजिएगा, और लास्ट में इफ द कॉस्ट ऑफ पैकिंग ईच बास्केट इज 25, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ ऑल बास्केट,
कह रहा है यदि एक बास्केट को पैक करने के लिए 25 रुपीज लगते हैं तो 40 पैक करने के लिए कितने लगेंगे? ये हो जाएगा 1000। कैसे? मल्टीप्लाई 25 फोर जा 100 होता है और 1 टाइम 0 1000, तो यहाँ पर 1000। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दी एबव ग्राफ एंड कंप्लीट दी टेबल। ऑब्जर्व दी एबव ग्राफ एंड कंप्लीट द टेबल। तो सबसे पहले टेबल दिया गया है, इसको ग्राफ में से देके फिल करना है। बास्केट ऑफ एप्पल पिक्ड, तो सबसे पहले देखिए मैं इसको हटा दूं। आप लोग वीडियो देखते रहिए और बुक को बगल में किए रहिए। देखिए बास्केट कितने, मंडे को कितने पिक हुए हैं, यहाँ पर मंडे की जगह मैं यहाँ फिल कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, डे हो गया। फर्स्ट में मंडे में कितना पिक हुआ है? 7। ट्यूजडे को 11, वेडनेसडे को ये हुआ 6, उसके बाद 10, फिर 6। क्लियर है। इसको दिखाना टैली मार्क। टैली मार्क क्या होता है? देखिए टैली मार्क को 1 दिखाना रहेगा तो 1, 2 दिखाना रहेगा तो 2, 3 दिखाना रहेगा तो 3, 4 दिखाना रहेगा तो 4, यदि 5 दिखाना रहेगा तो 4 को ऐसे हम क्रॉस कर देंगे। ये रहा आपका टैली मार्क। तो यहाँ पर 5 तक ही जाता है, ठीक है। तो ये 7 है ना, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 2 7। 11 है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 5 5 10 1 11, ठीक है, समझ में आ रहा ना। ओके 1 2 3 4 5 1 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 6, ये हो गया आपका कंप्लीट फिलिंग। ओके अब देखते हैं कि अगला एक्सरसाइज शॉर्ट में है, वीडियो को आराम से देखिएगा, ठीक है। तो ये इसका एक पेज और बचा है, इसके बाद एक चैप्टर भी खत्म। स्टोरी प्रॉब्लम, इसको देखते हैं। कृष्णा ऑर्गेनाइज ए बर्थडे पार्टी ऑफ हर डॉटर नियासा। सी व्हाट दी फॉलोइंग आइटम फॉर द आइडियल डिपार्टमेंटल स्टोर, कैलकुलेट द अमाउंट पेड बाय कृष्णा। देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ नहीं बनाना है, कृष्णा पेड, कृष्णा ने कितना अमाउंट पेड किया सबको खरीदने के लिए। तो देखिए आइटम इतने का है, तो फिलहाल इसको यहाँ मैं राइट कर दे रहा हूँ। 7 4 जा सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लास्ट में ऐड कर दूंगा, तो फिल कीजिएगा। 7 4 जा 28, 280 हो गया, फिर प्लस उसके बाद 74 4 जा ये हो जाएगा 30 300, प्लस 6 5 जा 30 300, प्लस 12 3 जा 36 360, प्लस 4 3 जा 12 3 2 जा 6 1 7, इतना हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे। देखिए इसमें जो फिल करना था इन सभी में अलग अलग मैंने इसे राइट कर दिया। ओके अब यहाँ पर टोटल अमाउंट जो पूछा है वो क्या करेंगे, इन पांचों को ऐड कर देंगे लास्ट में। देखते हैं 0 0 0 0 सबके, तो 0 फिल करेंगे, उसके बाद सेकेंड 8 6 8 है, 8 2 कितना हो जाएगा 10 10 6 16, 1 कैरी हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट का देखेंगे 2 3 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 3 12 12 7 19, ये हो गया 1960 रुपीज। तो यहाँ से 1960 यहाँ फिल करेंगे। क्लियर है। ओके क्वेश्चन 2, अमना परचेज ग्रोसरी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फ्रॉम द आइडियल डिपार्टमेंट स्टोर, स्टडी द बार ग्राफ, कैलकुलेट द अमाउंट एंड सी एंड पेड एंड सी अमाउंट सी पेड इन ऑल। ओके यही लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इस बार ग्राफ को देखिए, ये है वर्टिकल बार ग्राफ। तो यहाँ से राइस जो है 6 किलोग्राम, पल्सेस है 4 किलोग्राम, शुगर आइटम है 3 किलोग्राम, टी लीव्स है 1 किलोग्राम, ऑयल है 5 किलोग्राम, इतना क्लियर है।
बिल नंबर 348, ये बिल बनाना है, ठीक है। अब देखिए इसके, इसलिए बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाया है और उसी से हमें देखना है कि राइस कितने क्वांटिटी का है, क्वांटिटी लिखेंगे। अब एक क्वांटिटी में रेट पर किलोग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद टोटल ऐड करेंगे, टोटल अमाउंट यहाँ ऐड कर देंगे, आंसर हो गया आपका, क्लियर रहेगा। देखिएगा क्वांटिटी फिल करना था, क्वांटिटी मैंने ग्राफ से देखकर फिल कर दिया, रेट पर किलोग्राम दिया गया है और उसका अमाउंट कितना हो गया, यदि एक किलो का इतना है, एक किलो का इतना है तो छः किलो का कितना होगा, तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा इसमें हम करेंगे सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एट सिक्स जा 48 का एट, यहाँ पर एट फोर कैरी हो गया, सिक्स फोर जा 24 ओके। अब इसका मल्टीप्लाई फोर से करेंगे, फाइव फोर जा होता 20 का जीरो, टू कैरी रहेगा, एट फोर जा 32 ओके। अब 34 का हम इसमें करेंगे थ्री से, थ्री फोर जा 12, वन करी थ्री जा 9 1 10, नेक्स्ट करेंगे वन किलो का तो 198 हो गया, और इसका करेंगे फाइव से तो फाइव फाइव जा 25 हो गया, क्लियर, टू कैरी हो गया, 11 फाइव जा 55 to 57, और सभी को जब ऐड करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा, 8 to 10, 10 8 5 13, 13 10 23, 23 इसमें 3 हो गया, 2 कैरी हो गया, 8 to 10, 10 4 14, 14 9 23 हो गया, और उसके बाद 23 7 ये 30 हो गया, 30 का 3 0 3 कैरी हो गया, 3 3 6 2 8 1 9 10, 10 5 15, ये हो गया टोटल 1503 रुपीज। तो लास्ट में जो फिल करना था आपको यहाँ पर, वो फिल कीजिएगा 1503 रुपीज, और बाकी यहाँ पर अमाउंट लिखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो मैंने लिखा है वो कीजिए, ठीक है। और ये आपका डाटा हैंडलिंग का चैप्टर कंप्लीट होता है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसमें दो चैप्टर हैं, छोटे छोटे हैं, एक पैटर्न है और एक क्रिटिकल थिंकिंग है, तो अगले वीडियो में हम पैटर्न की बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।